वेलकम बैक टू माय चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को तो पता है मैं अपने मायके जा रही हूँ और यहाँ पे जो मेरी सासू माँ है वो मुझे खोइंछा दे रही है। जब हम ससुराल से जाते हैं तो चावल, हल्दी और दूध का खोइंछा मिलता है, और जब हम मायके से आते हैं तो जीरे का खोइंछा देते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें ये देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम ससुराल से जा रहे हैं तो भरे पूरे जाए और मायके से आएँ तो भरे पूरे आए। इसका मतलब कि घर की लक्ष्मी होती हैं लड़कियाँ, तो कहा जाता है कि यहाँ से जाती हैं तो यहाँ सब कुछ भर के जाए और वहाँ से आती हैं तो वहाँ सब कुछ भरा रहे। तो इसीलिए दिया जाता है खोइंछा। इसका प्रॉपर मीनिंग तो कुछ और होगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता है, बट जितना मुझे पता है उतना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं गई ऊपर भगवान जी से मिलने, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भगवान जी के आगे पैसे ऐसे 5 बार गर्दन से ऐंच के और भगवान जी के आगे रखते हैं, और जब आते हैं तब भी रखते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। पैसा दिया दादी ने, आना नहीं यहाँ, नहीं आना, धनवी आना, धनवी आना नहीं यहाँ, नहीं आएगी ना, जा, कभी नहीं आओगे, तो दादी भगा देगी आपको, जा, जा, आना नहीं, मैं आपके चीजें नहीं, ना मेरे को चीजें भी चाहिए आपको, आप जाओ, आपकी चीजें मेरे को नहीं चाहिए, वो पैसा दादी ने लिया है, छीन लेगी, नहीं, नहीं छीन लेगी, जा, आओ बाबू। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए, और मैं हमेशा साड़ी वाड़ी ही पहन के जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ कि इमरजेंसी में या वैसे गए जाना हो तो सूट पहन लिया, लेकिन आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। गर्मी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सूट ही पहन लेती हूँ, सूट में ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। एंड आप सबको छोड़िए, बस पापा जी का फेस देखिए। कहा गया आजा पीछे आजा, सूट के से आगे रखिए ना, चोट लग जाएगा, वो पीछे चल, पीछे बैठ, बाबा से मिल लो, बड़ी मम्मी से मिल लो, नमस्ते कर लो, बाबा के बाय बाय कर दे, जो पहले बाबा से मिलो, बिना मिले तो जाओगे नहीं, फिर बाबा से बिना मिले जाओगे, मिलने पुच्ची कर दो फिर जाना, फिर नहीं जाओगे ज्यादा ही हो गया। मैं आगे नहीं बैठेगा, छोटे बच्चे नहीं बैठे, तो गाइज़ यहाँ पे आप देखो आगे बैठने की धनवी को इतनी ज़िद हो गई, आदत हो गई है ना पापा के साथ हमेशा, तो इसलिए इसको लग रहा था कि यहाँ पे भी हम आगे बैठेंगे। उसके बाद बहुत मुश्किल से सबसे मिली है, इतने कहने पे वरना मामा के घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है कि बस गाड़ी में बैठ जाओ और चल दो। पापा जी का फेस देख के मैं बार बार इसलिए कह रही थी पापा जी से मिलने के लिए, क्योंकि पापा जी का फेस देख के ना दया आती है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो सेम ऐसे ही करते हैं, पापा जी अजीब सा मुँह बना लेते हैं।
बाबा रो रहे हैं ना धनवी, आप कितने गंदे बच्चे हो। बाबा रो रहे हैं और आप एक बार उनको बाय भी नहीं बोले। देखो तो नानू नानू चले गए पहले बाबा को बाइक। नानू बाइक से आ रहे, देखो रहे बाइक से आ रहे। बाय कर सको नानू, बाइक से आएंगे ना। गाड़ी में जगह नहीं था, आपका सारा सामान था गाड़ी में, तो नानू कैसे आते हैं। आ रहे बेटा। सो गाइज, उसके बाद हम लोग निकल गए थे 3:30 के टाइम पे मैं निकली थी। उस टाइम ऐसी धूप ऐसी गर्मी थी ना कि हालत एकदम ख़राब हो गई थी ओला से। और आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस पिछले ब्लॉग में काफ़ी कमेंट्स आए हैं जिसके बारे में मैं प्रॉपर आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगी समझाऊँगी। गाइज़ हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे एंड यही थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड हुई थी। मेरा जो कैमरा है वो ऑन ही नहीं हो पाया था, जिसको मैंने दिया था वो ऑन करना भूल गए थे, तो इसीलिए नहीं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो पाया। ये हमेशा ही मेरे साथ होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो कैमरा ऑन यहाँ पे हुआ ही गड़बड़। जो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हमेशा से ऐसे होता है। जब हम लोग घर आते हैं तो मम्मी या भाभी जो भी बड़ा है यहाँ पे पानी से ऐसे 5 बार वो करके और गिराते हैं कि रास्ते का नज़र ये वो सब उधर ही रह जाए। ये मतलब है हमारे यहाँ का रीति रिवाज जो हमारे बड़े फॉलो करते हैं। ये मेरी दादी है, मेरी मम्मी है और हम लोग हैं। मैं दादी से ऐसी बात वत कर रही थी, तबीयत वबीयत का पूछ रही थी। मेरी फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि सब लोग बहुत यंग हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आते गुड्डा खरीदवा लिया? हाँ, आते गुड्डा। आप अपने घर पे आप काम कर रहे हो, मैंने देखा। 4 दिन खाती अलवनी, 2 महीना खाती अलवनी ना जाए, 4 महीना रह के जाए। आईनी ना तेल भेजे के बात करे लग, तू ही कल हुआ दवाई खा के सूजल बड़ू का हो, मोटापा तो नहीं के लागत। दवाई का असर फायदा फिर हो फुलर बताया। अच्छा से लगाए, पैसे नहीं लेंगे क्या? पानी पानी या तेल दोनों लगा। एक भी ढंग का वो नहीं आ रहा है, इतना ढीला 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 हो गया। शरीर ढीला थोड़ा भइल बा, सूट तार ढीला सब शरीर तो एकदम मोटा के इतना न भइल बड़ू। पहले से ठीक हो गई हूं ना, कहाँ चली गई वो आते ही। मेरा ही था खुला करा के धनी करना। चेयर्स चेयर्स एक बार चिल्ले पानी के साथ आ जा। और वो टी शर्ट खराब हुआ ना तो बहुत पिटाई होगी। विक्की कब आएगा? चेयर्स चेयर्स
गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने घर और देखो हमारा राज दादी हमारी कहाँ लेटी हुई है। इस एक रूम में हम सारे इसी में घुसे रहेंगे, ऊपर हम लोग जाते ही नहीं है। जब भी मैं आती हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीचे ही है निकी का घर, नहीं मेरा घर ऊपर पूरा 4 फ्लोर का घर है, लेकिन हम लोग ऊपर जाते ही नहीं है कि यहाँ पे एसी घर वाले रूम में ही है, तो ज्यादातर हम लोग इसी रूम में रहते हैं। ये मुझे आते ही मिला है कच्चा आम गांव के पेड़ का, गांव से आई है भाभी तो लेके आई है। काका जलैया इसके इसके बीज है, बीज फुलवासी को बोल देते कुल फुलवासी के कर ब्याह कहने हुए निकी के ब्याह की रानी का ऐसे करके आप लोग के गांव में भी करते होंगे। बोलिए यार कुल फुलवासी भादो मासी देखते रानी की शादी किधर होती है। वैसे दबाओ मेरा यहाँ इधर ही है, मेरा इधर है, मेरा इधर है, हमारा क्या बताओ बाप। चंचला तेरा तेरा देख धनवी का शादी देखते हैं। धनवी तेरा बेटा मेरा वो बेटा है, वो गंदा पानी है बेटा। धनवी ये देखो पूरा घर छी। सो गाइस अभी हमारा चल रहा है आके, मैं खाना वाना भी खा चुकी हूँ। छूना मत, छूना नहीं काट देती है। धनवी क्या ले क्या दिखाओ तो जा दिखाओ दिखाओ दिखा दो फिस फिस। ये देखो जाके पता नहीं बगल वाले भैया के घर से फिस लेके आ गए। दिखा दो अपनी गाय से दिखा दो, अपनी गाय से दिखा दो। नहीं मम्मी दिखाओ तो एक बार क्या है। ये देखो ये बगल वाले भैया लेके आए हैं। उसमें डालोगी तो मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी बेटा। इसमें पानी भर दो दिखाओ। नानी मर के दिखाए, नानी मर जाए। नो नानी ना मरे। मेरे मामा आ चुके हैं दिए ना रानी इसको उठा के इधर मम्मी ये देखो दीदी बुला रही है ना। ये जाओ दीदी के पास या है जा बैठा अब ले पेट। अब बोलो भी इधर है ना हंसते के ध्यान रख ध्यान रख। अब भूत बनो, अब भूत बनो, भूत बन जाओ अपनी, भूत बन जाओ अपनी, भूत बनना रानी हटे ना कह लाइट के आगे आ जाए। ठीक है बनो, भूत बनो, भूत बनो, भूत भूत टंग मार निकालो। मैं भूत हूं और क्या करती है बहुत कुछ करती है। अभी तो साफ है। सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ सो के, 9 बज रहे हैं, 9 बजे सो के उठी, चाय वाय पी लिया, अभी जा रही हूँ मैं नहाने, नहा के उसके बाद बैठ के फिर से खूब सारी बातचीत करेंगे। कल हम लोग सब लोग एक ही रूम में एक साथ सोए हुए थे, रात इतनी लेट तक बात की और फिर उसके बाद सो गए। मैं आईब्रोज करा के आऊँगी अपनी, ऐसी आ गई थी कि यहाँ पे कराऊंगी आईब्रोज वगैरह कराऊंगी, थोड़ा सा फेस ठीक करूंगी, मिलती हूँ आप लोगों से ना। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं मार्केट फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, हमेशा आते हैं तो मिठाई विठाई ये सब लेके आती हूँ, लेकिन कल कुछ भी नहीं लेके आई थी, ऐसे ही आ गई थी। और फिर घर से फ़ोन आया मम्मी और इन्होंने खूब सुनाया, तो अभी जा रही हूँ इस टाइम लेके आऊँगी मिठाई विठाई। दीदी आ जाती है तो कहाँ जा रहे हैं, पूरी धंधा करके खाते हैं, फ्री में खा लेते हैं भाई, हमारा आधे रास्ते में छोड़ के भाग गए। हमने आम और लीची ले लिया है, अब लेंगे हम और फिर आईब्रो माना धनवी। वाओ इधर तो देखा एक बार, तो बहुत सुंदर है। पासी को दिखा दोगे ठीक है, पासी को अपनी ड्रेस दिखा दो। उसके बाद हम लोग मार्केट से आए, तब तक धनवी तैयार हो रही थी, मम्मी तैयार कर रही थी, फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग लेट वेट गए, बात बात करने लग गए, गोला वोला खाया हमने, फिर उसके बाद शाम को फिर से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, सर में दर्द हो रहा था और अजीब सा ही हो रहा था,
तो फिर यहाँ पे दादी तेल लगा रही थी मेरी, अच्छे से मालिश वालिश कर रही थी, तो मेरे को इतना वो लग रहा था, ठंडा जो तेल होता है ना वो लगाया था दादी ने, फिर उससे काफ़ी रिलैक्स हुआ। यहाँ पे बोल रही थी कि बड़े लोग पहले बहुत सारा तेल लगा रहे थे ना, तो थोड़ा सा लगा रही थी तो वो तुरंत बाल के अंदर चला जा रहा था, तो वही कह रही थी कि इतना तेल लगा रहे हैं और वो एकदम से बाल के अंदर चला जा रहा है।